ग्लोकू सिंह क्या खा रहे हो? साबूदाना उपमा। ग्लोकू सिंह एक एक करके खावे ना, उसमें आलू नहीं आया। ओ तो खुजे पेच। आपू आपू ग्लोकू आपू ग्लोकू कौन ली आपू खाना है। आपू अच्छा तो आरो ए जे आपू ए जे आपू जो उठाई धोलो पूरा पॉइंट दुदांतो। गुड मॉर्निंग। आज हमारा प्लान है कि हम सेकेंड हाफ में जाएंगे ऑनर, क्योंकि फर्स्ट हाफ में ना फिर भी वर्कर काम करते हैं, सेकेंड हाफ में मैंने नोटिस किया है बहुत ही कम काम करते हैं, मतलब भाग जाते हैं लिटरली। तो इसीलिए अभी भी थोड़ा सा टाइम मिलेगा और कुछ ख़रीदना है लोकल दुकानों से। जैसे हम लोग शीनी बना रहे हैं पूजा में, पूजा में एक तो देते हैं ना शीनी बना रहे, तो वो मतलब जिसमें देंगे लोगों को उसका एक कटोरी काइंड ऑफ कुछ लेना पड़ेगा, और भी छोटा मोटा कुछ चीज़ है तो चलो लेके। ड्राई फ्रूट्स कुछ लेना पड़ेगा। हाँ ड्राई फ्रूट्स लेना पड़ेगा। ड्राई फ्रूट्स तो एक्चुअली ऑर्डर कर सकती थी पर वो बड़ा पैकेट में आ रहा है, मैं छोटा छोटा लेना चाहती हूँ भगवान के लिए, जो भगवान के लिए होगा ख़त्म हो जाएगा ऐसे तो लूज लेंगे। हाँ क्योंकि घर पे भी है बहुत सारा काजू वाजू। ये वाला ले लिया, ये देखो कटोरी जैसा है, ऐसा मैंने पहले नहीं देखा था, सुंदर लग रहा है। और ये भगवान के लिए काजू किशमिश भी ले लिया। आपको एक अच्छी या बुरी पता नहीं आप ही बोलो कैसा न्यूज़ है, ये हमारा जो सोफ़ा है, सोफ़ा का टेबल है, ये है शू रैक है, उस घर का बेड है, सभी जो है ना बिक चुका है, एक हफ्ते बाद आके लेके जाएंगे। पता नहीं हम कैसे रहेंगे, मैं कुछ सामान नहीं रहेगा घर पे। अगला कुसिंग। तो मम्मी पापा आ रहे हैं, कल उनका ट्रेन है, पर मुझे ये प्रॉब्लम लग रहा है, मतलब सभी सामान जा रहा है और कुछ कर भी नहीं सकते हैं, मतलब सामान तो सेल करके ही जाना था हमें, अभी कैसे बैठेंगे कहाँ, सोएंगे कहाँ, मतलब गद्दे के ऊपर ही सब कुछ डिपेंडेंट है। कोई नहीं, मतलब अब और कुछ दिन ही है, उसके बाद तो उस रूम में घर में शिफ्ट होने के बाद हम आहिस्ता आहिस्ता करके सारे चीज़ें ले ही लेंगे। देखो ग्लोकू को वॉलेट चाहिए, हट। अच्छा आप बताओ आपके उधर पे वेदर कैसा है? इधर पे काफ़ी ठंड है, ग्लोकू को हमेशा फुल स्लीव में रख रहे हैं, रात को तो ऐसा लग रहा है कि चद्दर से नहीं होगा कंबल लगेगा। बाय बाय टाटा। तो सब बिक गया है ना, तो मैंने सारे कवर को वॉश कर दिया है, कि विद कवर ही जाएगा, तो मैं चाहती हूँ कि जो लेंगे उसको मैं अच्छा दूँ, गंदी चीज़ें क्यों देना है बोलो। सब चीज़ मैं भूल जाती हूँ, अनिर्बन के साथ निकली थी एक्चुअली रात के लिए ना, था कोई वेजिटेबल्स नहीं है तो थोड़ा सा ना मुझे वेजिटेबल्स लेना था, भूल गई। और मम्मी ना आज कल जो कुकिंग किया था ना, दो दिन के लिए एक साथ कुकिंग करना पड़ रहा है, क्योंकि मतलब उसी तरीके से अभी अरेंज कर रहे हैं ना हम लोग, सुबह निकल जाते हैं तो फिश करी एंड दाल, मूली दाल वो है, और ये फ्लावर देखो कितना सुंदर कलर में है, तो इसीलिए आज कुकिंग कुछ नहीं करना है, हम लोग जल्दी जल्दी नहा के खा के निकल जाएंगे। रात के लिए सब्ज़ी चाहिए तो अभी ले लेती हूँ, वो गोभी ले लिया। आपको पता है मेरे साथ ना हमेशा ऐसा होता है, मैं जब भी ऑनलाइन पे करती हूँ, मे बी ये मेरा ही फॉल्ट है, मैं टावर चेक करके नहीं करती हूँ, शायद ऐसे कर लेती हूँ, 50% टाइम मेरे साथ ऐसा ही होता है, पेमेंट अटक जाता है और कुछ नहीं होता है ना, ये हो रहा है ना वो हो रहा है, मतलब सेकेंड टाइम मैं कोशिश भी नहीं कर पाती हूँ। तो उन्होंने बोला कि अब मैं लेके गई थी 500, उनके पास छुट्टा नहीं है, तो बोला कि मम्मी से ले लेगी, मम्मी इस दुकान से ही वेजिटेबल्स लेती है सारे। ऑनर में जाके गाइस पता नहीं क्या होगा, क्योंकि इधर तो ऐसे मिल रहा है, उधर बहुत दूर जाना पड़ेगा। सोचा कि टाइम है तो गोभी का सब्जी रात का जो है वो बना ही लेती हूँ। आप लोग मेरी रेसिपीज मिस करते हो मुझे पता है, तो इसके अंदर पहले छोटे छोटे पीसेस में मैंने गोभी और आलू डाला, ऑयल में कुछ नहीं डाला, वही डाला। तो फ्राई होने पर मैंने एक प्याज को एकदम छोटे छोटे बारीक में चॉप करके डाला है, इसमें एक बड़ा टमाटर, 8 लहसुन और 1 इंच अदरक है, इसका पेस्ट डाल दिया है, नमक जीरा धनिया हल्दी लाल मिर्च डाल दिया है, अभी इसको ढक के कुक करेंगे। ये रहा बाकी लंच, क्यूकम्बर नीचे दही है, ये है ये फिश करी, एक्चुअली फिश मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने बोला कि मेरे लिए प्लीज़ अंडा डाल दो, आप लोग फ़िश खा लो, वैसे फ़िश 3 पीस ही था तो मैं ये प्रिविलेज लेती हूँ, अगर फ़िश कम हो रहा है तो मैं अंडा खाती है, मूली दे के डाल।
मम्मी खाना लगा रही है। लको बाबा का डाको प्यार से बोलती है ओत 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 खाबे भात खाबे खाबे ना ठीक আছে জল খাবে দেখো আল্লাহ নে তো আল্লাহ খেয়ে না তারপরে ভাত খাবে হ্যাঁ না খাও না গো খাবে লাভ কো পতা নেই কিয়া হুয়া হ্যায় ও পানি বিলকুল পি নাই বেচারে কোকোনাট ওয়াটার ডাইরেক্ট না হয়েছে ग्लॉकू ना अभी ग्लास में पानी पीने का जिद करती है तो उसके पास ये खूबसूरत सा पर्पल कलर का डिनर सेट है जो उसको मिला था उसके राइस सेरेमनी में। ये ग्लास है, ये कटोरी है, स्पून है, ये बीप है और इसी प्लेट में वो हमेशा खाना खाती है डिवाइड करके। और इसके नीचे ना एयर टाइट वाला भी एक चीज़ है जिसकी वजह से बच्चा प्लेट फेंक नहीं सकता है। सो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। ग्लॉकू को मैं बहुत दिनों से इसमें खाना दे रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है। हेलो, सो हम लोग जा रहे हैं घर का प्रोग्रेस देखने। पता नहीं कितना प्रोग्रेस हुआ है। एक्चुअली इतना काम बाकी है ना, डेली जाके हमें लग रहा है कि इतना तो हो जाना चाहिए पर होता नहीं है। होता नहीं है। कल ना हमारा वो सारे टाइल्स जो है ना, टाइल्स नहीं सॉरी क्वार्ट्ज लगा दिया है और एक्चुअली हमारा हॉब सिंक के लिए उसको कट भी करना है तो कट भी किया है। अभी देखते हैं ना क्या हो रहा है। और कल वो टाइल्स लगेगा। हाँ, टाइल्स लगेगा। ये एक्चुअली इसके ऊपर अभी एक प्लास्टिक है तो वो शाइनी नहीं हो रहा पर ये रहेगा हमारा तो हट जाएगा प्लास्टिक। हाँ। और इधर पे भी टाइल्स जब तक नहीं बैठता है ना ये लुक नहीं आता है ना। और इधर पे हम लॉक नहीं ले रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ, वो खाली है। है। तो थोड़ा सा खाली रहना है। आर्टिफिशियल फ्लावर रखेंगे कि ऊपर पानी नहीं डाल सकती और इधर पे तो शेल्फ रखेंगे ठीक है। वो इधर से नहीं खोला बॉर्डर खुला बंद करो कितना सुंदर लग रहा है ना ग्लॉकू के रूम से व्यू। सुबह उठती वो ये देखेगी इधर तो पूरा ग्रास लगा दिया है पर अभी ना इधर से तो मस्कीटो नेट फिर ग्रिल भी लगेगा तो व्यू थोड़ा सा पीछे से आएगा पर लग तो बहुत सुंदर लग रहा है। देखो कहने इसे सुंदर लग रहा है बहुत। ये मन चाह रहा है ये रूम हम ले ले और ग्लॉकू को उसमें भेज दे। ऐसा नहीं है हम बेस्ट रूम ग्लॉकू को देना चाहते हैं। मैं अभी तक जितना भी फ्लैट देखा हूँ मास्टर बेडरूम से सेकंड बेडरूम में ज्यादा अच्छा है। मास्टर बेडरूम डार्क होता है ज्यादातर स्पेशली 2 BHK में। हाँ, सब ऐसे ही बनाते हैं कि उसमें ऑलवेज डार्क रूम रहेगा फुल एसी रहेगा पता नहीं क्यों बनाते हैं। अच्छा तो ये है ग्लॉकू के रूम की लैमिनेट्स तो हमें थोड़ा सा ये अभी डार्क लग रहा है पर थोड़ा ही लग रहा है उतना भी नहीं कि चेंज करा दे। लाइट नहीं मिला था इससे। एक्चुअली ये ना एक साइड पे ही लगे उस साइड पर इस साइड पे मिरर लगेगा तो उतना ज्यादा और इस रूम में काफी लाइट है तो मुझे लगता है बुरा नहीं लगेगा। है घर आ गई हूँ पर आते ही बैड न्यूज बोला था एक हफ्ते बाद लेंगे ये सब सोफा वगैरह तो आज ही लेके जाएंगे। हमारा एक्चुअली प्रॉब्लम यह है ना ग्लॉकू है तो ग्लॉकू को लेके ना हम अगर बेड में चढ़ जाते हैं कुछ रख देते हैं तो मतलब उतना उसका यूज़फुल नहीं रहता। अभी एकदम सब ज़मीन पे रहेगा तो ग्लॉकू सब उठा के इधर उधर करेगी। ग्लॉकू को ना फिश करी बहुत ज़्यादा पसंद है। हम जब लंच कर रहे थे थोड़ा सा मेरे साथ वो दाल राइस खाया फिश खाया अंडा खाया उसके बाद एक डेढ़ घंटा बाद मम्मी ने लंच किया क्योंकि हम लोग जल्दी लंच करके निकल गए थे तो मम्मी के साथ फिर खाया तो अभी उसको भूख नहीं है। साबूदाना जो बनाया था एक चम्मच खाया और उसको भूख नहीं है
कोकोनट वाटर भी पिया। तो अभी जो है ना मुझे बहुत डिमांड करी कि एक किटबिट, किटबिट के लिए मतलब बिस्किट के लिए, बिस्किट को किटबिट बोलती है। तो मैंने बोला ठीक है, बहुत दिनों से मैं अभी उसको टाइम नहीं दे पा रही हूँ, ठीक है एक भी दे दे। तो अभी वो किटबिट खा रही है। हेलो हैं, और मम्मी को बोल रही है कि पुलो पुलो, फुल पैकेट फुल पैकेट मांग रही है। कि जना बोले से पुलो 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 पुलो। ভালো খেতে এটা কি খাচ্ছ? কি কি এটা? দেবে দাও না, দেবে দাও, আমি খাবো তো, দাও খাইয়ে দাও, খাইয়ে দাও মামা, আমাকে না মাম্মাকে খাইয়ে দাও। বাবা 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 বাবা, ये भी सोच रही हूँ कि लेके चलते हैं, क्योंकि उस मतलब तीन दिन के लिए हम लोग जा रहे हैं। पर ये केटल जो है ना, ये तो मल्टीपर्पस यूज़ है, पापा मम्मी चाय पियेंगे तो इसमें आप, केटल तो है, चाय तो पी ही सकते हैं। मुझे सिस बात लेनी होती है, इसमें गर्म पानी ले सकते हैं क्योंकि गीज़र नहीं है अभी तक हमारे पास। और एक दिन मेरा मन है उधर जाके अंडा करी खाएंगे, तो इसमें देखो अंडा भी बॉयल कर सकते हैं, वो भी 6 पीस इस तरह से। और इसमें ढोकला वगैरह बना सकते हैं। और मैं एक सब्ज़ी कुछ बॉयल करूँगी और एक करी बनाऊँगी, ऐसा ही प्लान है। राइस कुकर में सब्ज़ी बॉयल करने के लिए फिर अलग से करना पड़ेगा, उधर पे गैस हमारा अभी नहीं है, इसमें सब्ज़ी भी बॉयल कर सकते हैं। सो ये एकदम परफेक्ट सोल्यूशन है ना, ये भी लेके चलेंगे। ठीक है ठीक है। और ये भी एक इसके साथ स्टैंड आता है, ये है अगारो मल्टी कुक केटल। तो ये पूरा सेट ही लेके जाऊँगी, इसका ढक्कन भी है और ये पूरा स्टेनलेस स्टील का है। तो अगर आप हॉस्टल हॉस्टल में रहते हैं ना, और ऐसे भी घर के लिए भी ना, छोटी सी चीज़ इतना सारा इसमें काम कर सकते हैं। इसमें हम मैगी भी बना सकते हैं, आप नूडल्स भी बना सकते हैं, मैं सभी बना चुकी हूँ। इसको लेके चलूँगी, बैग में भरना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। गुस्सा हो गया, गुस्सा हो गया, रिची 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 ना। मम्मी जब भी रोटी बनाती है ना, ग्लॉक आ जाती है, ग्लॉक को चाहिए होता है ना, गरम की प्रॉब्लम। खाओ खाओ, मुझे खाओ। सुबह को मैंने आपको दिखाया था कि मैंने बनाया था गोभी, जो बहुत ही अच्छा बना है, थोड़ा सा धनिया डालना है। और इतना अच्छा वेदर है ना, फ्रिज में उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, सुबह को बनाते हैं। तो बस सासू माँ और नामार जी तो फिर पराठा खाते हैं है ना। और ग्लॉकू जो है ना, रोटी या पराठा इसी टाइम खा लेती है, और सब्जी जो है ना हमारे साथ खाती है, उस टाइम को पराठा या रोटी नहीं खाती है, मतलब अलग ही है उसका। गरम लगे से तो है बस, और कुछ घंटे सोफे पे बैठ लेती हूँ, उसके बाद ये सोफ़ा नहीं रहेगा। एक्चुअली देखो हम सेल कर रहे हैं ना, मतलब बहुत ही वो दुख के साथ सेल कर रहे हैं। बोलो, बात तो सही है। एक्चुअली हम लोग जब ये सारे चीज़ परचेस किए थे, तब हमें ये मालूम नहीं था कि हम लोग इतना दिन तक यहाँ पे स्टे कर जाएंगे। हाँ, इसीलिए हम कम नहीं तो शायद चलेगा ऐसे शायद के लिए। पर अभी मैं सोचती हूँ कि अच्छा ही है ऐसा लिया है, अभी जो है ना उस रूम के हिसाब सारे, मतलब उसके हिसाब से हम अभी ले सकते हैं, क्योंकि अगर ये अच्छा होता तो हम इसी को लेके जाते ना, तो वो मैचिंग के हिसाब से थोड़ा सा गड़बड़ होता। जो भगवान करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। हमारा एक्चुअली जितना भी सामान है ये बहुत ही अच्छा कंडीशन में था सारे चीज़, तो जो लोग एक्चुअली, हमें एक बायर मिल चुका है जो सारे तो, एक साथ ले रहे हैं। हाँ, सारे एक साथ ले रहे हैं, मतलब देख के सब पसंद आ गए। इनफैक्ट हमारा जो मिरर है वो भी जा रहा है तो एक्चुअली इसका कंडीशन सही में अच्छा, मतलब एज इट इज जैसे हम लोग खरीदे थे। स्पेशली ये सोफा देखो भाई, कुछ भी नहीं हुआ है एकदम, और इसका पूरा किट जाता है इनको सारे चीज संभाल के रखते हैं ये नहीं, पर अभी ग्लॉकू होने के बाद और प्रेगनेंसी टाइम में मैं कुछ अच्छा बोलूंगा तो इसको आप मुझे बोलना ही, थोड़ा सा बोला ना कि हाँ हाँ मैं किया हूँ, नहीं थोड़ा सा डस्ट रहता है घर पे, मैं उतना सॉर्ट नहीं कर पाती हूँ। पर आज सोफा को अनिर्वाण ने अरेंज किया, क्योंकि मैंने ये धो दिया था, उसके बाद अनिर्वाण ने अच्छे से किया। तो चलो गाइस, फिर मिलेंगे, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।